Time to go to sleep. तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे 10 आर रेटेड मूवीज के बारे में। और इस लिस्ट में मैंने बहुत तरह की आर रेटेड मूवीज को कवर किया, जिनमें आपको कॉमेडी से लेके हॉरर जैसी मूवीज भी देखने को मिलेंगी, और साथ ही एक्शन और थ्रिल तो इन मूवीज में होगा ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से जानते हैं उन 10 आर रेटेड मूवीज के बारे में। नंबर 10, लीजियन। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2010 में और फिल्म बेस्ड है फैंटेसी और हॉरर के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 5.3 की रेटिंग दी है 10 में से। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत काम कर रही होती है। लेकिन तभी एक आदमी आता है और उसे बताता है कि उसके पीछे बहुत सारे डेमन्स पड़े हैं, ताकि उस बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक सके। तो आगे क्या होता है ये आपको इस फिल्म में देखना होगा। नंबर 9, द स्पाई हु डंप्ड मी। इस फिल्म को रिलीज किया गया 2018 में और फिल्म बेस्ड है कॉमेडी और एक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 6 की रेटिंग दी है 10 में से। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म में आपको एक सीधी सादी लड़की देखने को मिलती है, जो कि अपनी लाइफ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिता रही होती है। लेकिन इसकी लाइफ तब पूरी तरीके से बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक स्पाई है। इसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है ये सब आपको इस फिल्म में बहुत ही तगड़े कॉमेडी के साथ देखने को मिलता है। नंबर 8, एंजल हैज फाइनल। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में और फिल्म बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 6.4 की रेटिंग दी है 10 में से। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है यूएस के प्रेसिडेंट से, जो अचानक गायब हो जाते हैं, और इन सब का इल्जाम लग जाता है माइक के ऊपर, जिसके बाद माइक खुद निकल पड़ता है प्रेसिडेंट को खोजने के लिए, और ये जानने के लिए भी कि इन सब के पीछे कौन है। तो ये सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा। नंबर 7, फ्राइड नाइट। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2011 में और फिल्म बेस्ड है कॉमेडी और हॉरर के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 6.4 की रेटिंग दी है 10 में से। अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म में आपको एक लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम होता है चार्ली, जो अपने लाइफ को अपने गर्लफ्रेंड और मॉम के साथ काफी नॉर्मल तरीके से बिता रहा होता है। लेकिन तभी उसके घर के पास में एक नया पड़ोसी रहने के लिए आता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी एक वैम्पायर है, जिसके बाद क्या कुछ नहीं होता ये आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 6, इविल डेथ। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2013 में और फिल्म बेस्ड है हॉरर और थ्रिलर के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 6.5 की रेटिंग दी है 10 में से। और ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसे आप ना ही अकेले देखना चाहोगे और ना ही किसी और के साथ। इस फिल्म में बहुत ज्यादा खून खराबा है और साथ ही बॉडी कटिंग सीन भी। तो इस फिल्म को देखने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा जिगड़ा होना चाहिए। और ये फिल्म देखनी कैसे है और बाकी सब भी, इसका जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, ओवरलॉर्ड। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2018 में और फिल्म बेस्ड है एक्शन हॉरर और थ्रिलर के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 6.6 की रेटिंग दी है 10 में से। और इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स का मिशन रहता है जर्मन के एक रेडियो टावर को डिस्ट्रॉय करने का। इन कुछ ही सोल्जर्स जिंदा बचते हैं, जिसके बाद उन्हें जर्मन के एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। तो उसके बाद क्या होता है ये आपको इस फिल्म में देखना होगा। नंबर 4, एटॉमिक ब्लॉन्ड। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2017 में और फिल्म बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 6.7 की रेटिंग दी है 10 में से। और कहानी की शुरुआत होती है स्पाई एजेंट MI6 से, जिसे मिशन दिया जाता है डबल एजेंट की लिस्ट को हासिल करने का। और इसी के बीच पूरी कहानी घूमती है, लेकिन इस फिल्म को सबसे खास बनाता है इस फिल्म का एक्शन, जिसे देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। नंबर 3, द विच। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2018 में और फिल्म बेस्ड है एक्शन और मिस्ट्री के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 7.1 की रेटिंग दी है 10 में से। तो रेटिंग से आप समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है, जिनमें आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत ही यूनिक एक्शन देखने को मिलता है। और इस फिल्म के लास्ट में जो आपको पता चलेगा वो आपके दिमाग को सच में घुमा कर रख देगा। तो इस फिल्म को बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ देखना, आपको सच में मजा आ जाएगा। नंबर 2, बेबी ड्राइवर। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2017 में और फिल्म बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 7.6 की रेटिंग दी है 10 में से। और इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक ड्राइवर से, जो चोरों के साथ मिलकर बैंक में चोरियां करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही ड्राइवर उन चोरों को किस तरीके से फंसाता है ये इस फिल्म में काफी ज्यादा देखने लायक है, जिसे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट नंबर 1 पर है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2009 में और फिल्म बेस्ड है वॉर और एक्शन के ऊपर। अब बात करें इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी है, तो आईएमडीबी ने इस फिल्म को 8.3 की रेटिंग दी है 10 में से। इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म की स्टोरी की शुरुआत होती है कुछ सोल्जर्स से, जो कि प्लानिंग करते हैं नाजी गवर्नमेंट्स को गिराने का, यानी कि हिटलर को किस तरीके से मारने का प्लानिंग किया जाता है, ये सब आपको इस कंप्लीट फिल्म में देखने को मिलता है।